जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के मामला में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब। दोस्तों पिछले कई वीडियो में मैंने आपको सबको बताया है कि जसीडीह स्टेशन का जो नाम है वो बदलने वाला है, लेकिन कोई कारणवश यह रुक जाता है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि पहले जसीडीह स्टेशन का जो नाम था वो बैद्यनाथ धाम ही था, लेकिन उसे बदल कर जसीडीह किया गया था। वापस पुनः वही नाम रखने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी लगातार लगे हुए हैं। आइए क्या कुछ बात है आप सबको सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि इस चैनल पे ट्रेन से जुड़ी जानकारी आप सबको हमेशा मिलते रहती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन करने का जो मामला है, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर बी.आर. सरांगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रकाश की अदालत ने यह निर्देश दिया। सांसद निशिकांत दुबे ने स्टेशन का नाम बदलने और पूर्व दिशा में गेट खोलने के उद्देश्य से जमीन उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका दायर की है। गेट खोलने के लिए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आखिर मामला क्या है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जसीडीह स्टेशन का जो नाम है वह बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन करने के लिए रेलवे को कहा है। प्रावधान के अनुसार इस मामले में राज्य सरकार की ओर से रेलवे की ओर से प्रस्ताव भेजना होता है। राज्य सरकार की ओर से अब तक ये प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, इस कारण सांसद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। रेलवे के अनुसार वर्ष 1874 ईस्वी में जसीडीह स्टेशन का जो नाम था दोस्तों वह बैद्यनाथ धाम स्टेशन था। बाद में बैद्यनाथ स्टेशन जो है एक देवघर में बना दिया गया और बैद्यनाथ स्टेशन जो पहले था उसे जसीडीह स्टेशन बना दिया गया। वही जसीडीह स्टेशन के पूर्व दिशा में सेकेंड एंट्री गेट खोलने की जरूरत को लेकर रेलवे की ओर से राज्य सरकार से 7.5 एकड़ जमीन की मांग की गई है। सांसद के अनुसार इसके लिए राज्य सरकार प्रति एकड़ 57 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। दायर PIL में सांसद ने राज्य सरकार की निर्धारित दर से जमीन देने की मांग की है। इसके अनुसार 7.5 एकड़ जमीन का जो कीमत है वह मात्र 80 करोड़ होती है, जबकि राज्य सरकार 427.5 करोड़ की मांग कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसमें राजनीतिक भी खेल हो रही है। जहां पर जिस जमीन का दाम 80 करोड़ होना चाहिए वहां पर 427.5 करोड़ डिमांड किया जा रहा है। तो आई होप कि गाइस बहुत जल्द जसीडीह स्टेशन का जो नाम है वह बैद्यनाथ धाम स्टेशन होने वाली है। जिसको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको रेलवे से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलते रहती। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।